भतीजा को साथ में बैठा लेते हैं, बड़े भाई को साथ में बैठा लेते हैं और खुद को मुख्यमंत्री जी अनेकों बार कह चुके हैं। अरे 2005 के पहले बिहार में कुछ था जी, जितना बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को घूमना है घूम ले, पर्यटक स्थल जांच करना है जांच कर ले, ये बिहार की जनता देख चुकी है, खाता नहीं खुलेगा 24 में 400 पार। नमस्कार, आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ रोहित वर्मा। देखिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और बीजेपी एमएलसी जनक चमार जी हैं। किस तरीके से आपने आरोप लगाया है आज की दलितों पर बिहार में अत्याचार हो रहा है, आखिर क्या अत्याचार बिहार में देखने? देखिए, आरोप नहीं हम मैं लगाया, ये बिहार की जनता त्रस्त है, परेशान है, घुटन महसूस कर रही है। जब से महागठबंधन की सरकार आई है, छात्रा को गोली मार दी जा रही है। अभी वर्तमान में एक छात्रा को दिन दोपहर गोली मार दी जा रही है। 8 तारीख को अजय पासवान जी की पत्नी सरिता पासवान दिनारा थाना के अंतर्गत उस महिला को जबरदस्ती उठा करके वहां के अपराधियों ने घर में ले जाता है, शारीरिक संबंध बनाता है और वह महिला वो परिवार पीड़ित जब थाने में जाता है तो थाना प्रभारी एफआईआर करने से आनाकानी करता है। इतना ही नहीं, अगर एफआईआर होता है तो कहता है कि इस तरह के दुराचार नहीं हुआ है, दुराचार करने का प्रयास किया है, दुर्भाग्य है। और हम तो धन्यवाद देते हैं बिहार प्रदेश के सचिव प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय सम्राट चौधरी जी को कि उनके कानों में जैसे आवाजें आई कि दिनारा थाना में दलित महिलाओं के साथ दुराचार हुआ तो 5 सदस्यीय अनुसूचित जाति के विधायकों के साथ एक टीम बना दिया कि आप घटनास्थल पर जाएं और जानकारी लें कि ये सत्यता क्या है। वहां जाने के बाद आनन फानन में वहां के कप्तान और वहां के थाना प्रभारी उस महिला को उठा करके घर से बाहर सासाराम ले जाया जाता है। क्यों? कि जो शिष्टमंडल आई है, टीमें आई है जांच करने के लिए, वो महिला से कुछ फर्द बयान न लिया जा सके। और सासाराम ले जाने का उन लोगों ने चर्चा क्या किया कि मेडिकल चेकअप कराना है, 164 का बयान दिलाना है। मैं स्पष्ट शब्दों में आपसे कहना चाहता हूं कि बिहार प्रशासनिक अधिकारी थाना प्रभारी अगर 164 का ही बयान दिलाना था तो ये घटना 8 तारीख की थी। जब शिष्टमंडल वहां 11 तारीख को पहुंची है, 4 दिन के बाद से मेडिकल चेकअप कराने के पीछे अपराधियों का संरक्षण देना था। लगता है कि महागठबंधन की सरकार जब से बनी है तब से दलितों पर अत्याचार? बिल्कुल, ये तो अंदेशा पहले से था। खुद के मुख्यमंत्री जी स्वीकार करते हैं, भतीजा को साथ में बैठा लेते हैं, बड़े भाई को साथ में बैठा लेते हैं और खुद को मुख्यमंत्री जी अनेकों बार कह चुके हैं। अरे 2005 के पहले बिहार में कुछ था जी, तो इस तरह से बड़े भाई और भतीजा बैठ के सुनते हैं तो 2005 के पहले कुछ था नहीं, तो 2005 के बाद जो एनडीए की सरकार आई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, अगर विकास और सुशासन कहलाए तो ये एनडीए के शासन काल में नीतीश जी विकास के पुरुष कहलाया, सुशासन कहलाया। आज फिर वही दुर्भाग्य है बिहार के मुख्यमंत्री जी, लाठी और गोली के बल पे जो सरकारें आई थी उसके सामने घुटना टेक चुके हैं। लेकिन अब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तो बनारस में बड़ी रैली करने वाले हैं, पीएम मोदी का वो गढ़ माना जाता है और अभी से ही जेडीयू के कई नेता जो है तैयारी में। जितना बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को घूमना है घूम ले, पर्यटक स्थल जांच करना है जांच कर ले, ये बिहार की जनता देख चुकी है कि कई राज्यों में उनके कैंडिडेट गए थे, 100 वोट नहीं प्राप्त कर पाए। आने वाले दिनों में बिहार की जनता कमर कस के खड़ी है कि देश में सबसे ताकतवर नेता नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में प्रदेश भी आगे बढ़ेगा, देश भी आगे बढ़ेगा। खाता नहीं खुलेगा 24 में? खाता नहीं खुलेगा 24 में 400 पार, बिहार में 40 का 40 एनडीए को जाएगा। तो देखिए, साफ तौर से बात करने के लिए हमारे साथ जनक राम जी थे, क्या कुछ उन्होंने कहा है आपने सुना है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करना, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।